सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं हूँ अपने घर पे और बहुत ज़्यादा ठंड है, हर जगह फॉगी फॉग है पूरे नॉर्थ इंडिया में। न्यू ईयर से ही बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बट फिर भी ट्रिप्स तो करनी ही है। तो अभी मैं निकल गया हूँ इस ईयर की पहली ट्रिप करने के लिए। और इधर पीछे ये देखो मेरी गाड़ी खड़ी है, क्योंकि ट्रेन आपको पता है लेट चलती है। पटना से मुझे फ़्लाइट लेनी थी, मेरी 7:30 की ट्रेन थी बट वो 11:30 को आएगी, तो उस वजह से मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है अभी कार से निकल जाता है। तो अब निकल रहे हैं, लगेज वगैरह सब रख दिया मैंने, ड्राइवर ले लिया क्योंकि फिर वो कार लेके रिटर्न भी आएगा वापस। तो चलिए अब ट्रिप स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलते हैं फटाफट से। चलिए भी डीजल लेने के लिए रुके थे हम लोग, और डीजल डलवा लिया गाड़ी में, अब चलेंगे यहाँ से आगे। तो अभी मैं खगड़िया पहुँच गया हूँ और यहाँ मैं आ गया हूँ अपने मामा जी के यहाँ, क्योंकि मैं घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं निकला था, तो सोचा यहाँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मामा जी ने बुलाया कि घर पर ही आ जाओ ब्रेकफास्ट करके तब निकलना। तो अभी मामा जी के घर पहुँच गए हैं, अब चल के ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर यहाँ से कुछ 170-180 किलोमीटर्स है तो आगे चलेंगे। फ़िलहाल चलते हैं, अब भूख भी लगी है, 10 बज गए हैं, चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। चलिए तो मामा जी के घर पे भैया भी थे, अभी भैया से मिले थे कोलकाता में जब हम लोग पार्टी कर रहे थे ताज में। भैया भी जाएंगे पटना, क्योंकि फिर भैया को पटना में थोड़ा कुछ काम भी है ना भैया, तो फिर एक बार भैया पटना से फिर रिटर्न हो जाएंगे हम लोगों को छोड़ के। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर निकलेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी ठंड लग रही है, भैया तो एकदम टोपी ओपी लगा के रखे हैं, देखो भैया को बहुत ठंड लग रही है। तो अभी चलते हैं हम लोग और ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है मामा जी के यहाँ, और यहाँ कुछ एक घंटा लग गया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 11:30 हो गए हैं, तो बस अब चलते हैं आगे क्योंकि टाइम लगेगा, फॉग भी है थोड़ा थोड़ा, अब हट गया है वैसे तो, बट ठीक है। तो ठीक है, अभी मैं बेगूसराय पहुँच गया हूँ और अब यहाँ से 2 घंटे और लगेंगे। ये राजेंद्र पुल है गंगा के ऊपर बना हुआ, इसके नीचे से ही ट्रेन जाती है, बहुत पुराना ब्रिज है, तो अब भी इस पर सिर्फ छोटी गाड़ियाँ ही चलती हैं। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अभी। तो अभी हम लोग पटना एयरपोर्ट पहुँच गए हैं फाइनली। ये देखो ये मेरी गाड़ी, लगेज निकाल लिया है, अब ड्राइवर गाड़ी लेके जाएगा, हम लोग चलते हैं अंदर। टाइम भी हो गया है, अच्छा हुआ ट्रेन के भरोसे नहीं रहा, वरना फ्लाइट मिस हो सकती थी। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। तो भैया अभी हम लोग को पटना छोड़ दिया है, अब भैया को कुछ काम है, तो भैया काम करके फिर वापस घर निकलेंगे, तो भैया घूम के आते हैं फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है? चलिए मिलते हैं भैया, बाय। ओके ओके, तो ठीक है अभी मैं चलता हूँ अंदर, चेकिंग करा लेते हैं पहले। तो अभी सारा सामान वापस बैग में डालते हैं, बड़ा झंझट है। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया और अभी बैठ के वेट कर रहा हूँ, और मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है, ज़्यादा डिले नहीं हुई है, हाफ एन आवर डिले हुई है, तो बस बैठे हुए हैं। और पटना एयरपोर्ट पर बैठने का बहुत सीन है भाई, जगह ही नहीं मिलती है, हर जगह फुल है, पता नहीं इतने लोग कहाँ से आ जाते हैं। मोर ओवर सिटिंग स्पेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर एयरपोर्ट, तो इस वजह से भी जगह नहीं मिलती, हर जगह फुल ही है। बट फिर भी मैंने एक सीट ढूंढ ली, तो अभी बैठे हुए हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 6 बज गए, फिर हमें बोर्डिंग करना है, तो वेट करते हैं थोड़ी देर। तो अभी मैं बस में आ गया हूँ, अब जाएंगे फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ से और भी लोग आ रहे हैं। बाहर फॉग देखो कितना ज़्यादा है, फिलहाल मैं फ्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ, तो अब दिल्ली पहुँच के दिखाता हूँ। यहाँ पे शटल बस की सर्विस अवेलेबल है दूसरे टर्मिनल पर जाने के लिए, और अगर आप लोग नहीं लेते हो कूपन पहले, तो चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने पूरा गाइड टाइम। चलिए चल के पहले टिकट ले लेते हैं क्योंकि मुझे दूसरे टर्मिनल पे जाना है अभी। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ दिल्ली पटना से फ्लाइट लेके, और मैं उतरा था टर्मिनल 1 पे, फिर वहाँ से शटल लेके मैं आ गया टर्मिनल 2, और अब यहाँ से मेरी आगे की फ़्लाइट है जो कि है जयपुर के लिए, बट उसमें अभी टाइम है, तो मैं सब कुछ करके अंदर आ गया हूँ और अपने गेट के सामने बैठा हुआ हूँ। अब यहाँ से अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट लेंगे और चलेंगे जयपुर। तो पटना से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, तो मुझे मजबूरी में कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ी, इसका वेटिंग टाइम सबसे कम था, तो इसीलिए मैं इसे आ गया।
अब यहाँ आके बैठे हुए हैं। मैं जयपुर पहुँचूँगा लगभग 12 बजे के आसपास, तो चलिए बैठ के वेट करते हैं, एक बार बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए फिर चल के दूसरी प्लेन बोर्ड करेंगे। अभी फाइनली मैं जयपुर पहुँच गया हूँ और एयरपोर्ट से बाहर निकल के अपनी कैब का वेट कर रहा हूँ। तो अभी मैं फाइनली जयपुर पहुंच गया हूं और आ गया अपने होटल में। फ्लाइट 1 घंटे डिले हो गई तो मुझे लेट हो गया। अभी रात के 1 बज रहे हैं तो आज तो अब कहीं नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ रेस्ट करेंगे क्योंकि आज दिन भर ट्रैवल कर लिया है। तो अब कल सुबह उठेंगे और फिर जयपुर घूमना शुरू करेंगे। तो तब तक बने रहिए कि जयपुर में क्या क्या घूमते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। फिलहाल बहुत नींद आ रही है तो मैं चला सोने, फिर आप लोगों से मिलता हूँ कल सुबह। बने रहिए तब तक वीडियोज़ में।